आप मैकबुक पे ट्रेलर कैसे बना सकते हैं, फिर कैसे क्रिएट कर सकते हैं, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप जैसे आप देखते होंगे कि मूवीज वगैरह में ट्रेलर कैसे बनता है, तो इसमें भी मैकबुक में ऐसा फीचर्स होता है जो आप आसानी से अपने पिक से या फिर अपने वीडियो से आप ट्रेलर वगैरह बना सकते हैं। तो इस पे मैं ऐसा आपको सॉफ्टवेयर बताऊंगा जो कि बिल्कुल फ्री है मैकबुक में, और इस पे आपको कोई भी पे नहीं करना पड़ता, कोई भी चार्जेस नहीं लगते हैं। तो इस पे कई सारे सॉफ्टवेयर हैं, बट मैं आपको जो कि बहुत बहुत सारे चार्जेस करते हैं, बट मैं आपको आज ऐसा सॉफ्टवेयर बताऊंगा जो कि बिल्कुल चार्ज नहीं लेता। और तो और वहाँ पे आप ट्रेलर वगैरह बहुत अच्छे से बना सकते हैं। जैसे आप व्लॉगिंग वगैरह करते हैं तो आप उसका ट्रेलर डाल सकते हैं अपने यूट्यूब वीडियो में, बहुत अच्छा लगता है। मैंने भी कई वीडियोज में अपना ट्रेलर डाला हुआ है। तो ट्रेलर वगैरह बहुत अच्छा लगता है, जैसे ट्रेलर क्रिएट होता है तो छोटा छोटा क्लिप। मैं तो बिल्कुल फ्री यूज़ करता हूँ आई मूवी, जो जो मेरे मैकबुक में फ्री था। और आप अभी मैं फिर से देख सकते हैं, मैंने ऑफ रोड का एक ट्रेलर बनाया था अपने ही, मतलब कि मैंने कई जगह ट्रेवल किया था तो इस वजह से ऑफ रोड का ट्रेलर बनाया था। आप देखिए, ये स्टार्ट हुआ। ये मेरा पूरा 1 मिनट 5 सेकंड का ट्रेलर बन गया था, वो भी बहुत काफ़ी बहुत अच्छा लगा था मुझे ट्रेलर। इवन आपको मैं दिखाऊंगा अभी कि आप ट्रेलर बनाए कैसे मैकबुक में। सो 1 सेकंड के लिए आप पेज करिए आई मूवी। मैंने टैप किया, उसके बाद कहाँ गया आई मूवी, मैंने लगता है टैप नहीं कर पाया। ये मैंने टैप किया आई मूवी, उसके बाद देखिए तुरंत खुल गया मेरा आई मूवी। उसके बाद जैसे मैंने अभी मैंने एक ये तो वीडियो एडिट कर रहा हूँ, उसके बाद मैंने यहाँ पे जाके आप प्रोजेक्ट पे जाइए, क्रिएट इन न्यू, उसके बाद यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेगा आपको, मूवीज़ और ट्रेलर का। तो मैंने ट्रेलर पे क्लिक कर दिया। ट्रेलर उसके बाद आपको किस टाइप का ट्रेलर चाहिए, जैसे फ्रेंडशिप, हॉलीडे, इंडी, नेटिव, पेट्स, स्पाइस, स्पोर्ट्स, कैरी, मतलब इसमें बहुत ढेर सारे ट्रेलर मिल जाते हैं आपको। तो आपको पहले आपको जैसे तुरंत क्रिएट मत करिए, पहले आप देख सकते हैं कि किस टाइप का ट्रेलर, जैसे मैं यहाँ पे देख सकता हूँ फ्रेंडशिप ट्रेलर, फ्रेंडशिप ट्रेलर। ये फ्रेंडशिप ट्रेलर को करना है तो आप क्रिएट कीजिए, क्रिएटिंग हो रहा है। उसके बाद आप यहाँ पे आप अपना मूवीज़ का नेम डाल लीजिए, उसके बाद रिलीजिंग डेट डाल लीजिए, कास्ट मतलब किसने किसने कास्ट किया है, स्टूडियो नेम, उसके बाद डायरेक्टर मतलब डायरेक्टर तो आप ही हैं, जैसे मैंने यहाँ पे डायरेक्टर अपने आप को डाला था। उसके बाद एडिटर मैंने किया था, रिटन बाय मतलब ये पूरा मैंने अपना डाल दिया था, म्यूजिक बाय आई मूवी को मैंने क्रेडिट दे दिया। उसके बाद स्टोरी बिहाइंड, उसके बाद मैंने जो भी क्लिप क्लिप रहता है, मैंने क्लिप वगैरह जैसे पूरा डाल दिया, क्लिप वगैरह पूरा मतलब जैसे डालूंगा, उसके बाद ऑटोमेटिक यहाँ पे ट्रेलर क्रिएट हो जाएगा। तो इससे आप ट्रेलर आसानी से क्रिएट कर सकते हैं।